गुड मॉर्निंग चमका दी, वेलकम बैक टू आर चैनल प्रभा कृष्णा व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। और अभी बज रहे हैं चार बज रहे हैं ना, हाँ चार बज रहे हैं। तो आज है जन्माष्टमी, तो गाइस आप सभी को हमारे और हमारे नटखट काना की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और श्वेता की तरफ से भी, तो इसको नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग से मैं कर नहीं पाई क्योंकि ये जनाब ना सो रहे थे, सभी ने ना अपने बच्चों को कृष्णा बनाया है, तो आज इसने क्या किया, ये ना सुबह से उठा ही नहीं। आज ये अभी कोई 3 बजे उठ रहा है, वैसे ये उठ जाता था लेकिन आज इसकी नींद खराब हो गई। वैसे तो रात को 4 बजे सोया था, तो आज ये लेट उठा है। तो अभी मुझे इसको रेडी करना है, तो मैंने अपने साथ श्वेता को बुला लिया, थोड़ी हेल्प चाहिए थी मुझे तो इसको बुला लिया। तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं कोई 4-5 ट्रांजिशन वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए भी कोई आधा घंटा चाहिए ही। तो 4-5 मैंने सोचा, देखते हैं कितनी बनती हैं। तो मैं आपको दिखा दूं आज मैंने इसके लिए क्या क्या बनाया है। तो ये अपनी बुआ से बातें करने में बहुत बिजी है, तो मैं आपको दिखा दूं आज मैंने इसके लिए क्या क्या बनाया है। मतलब मैंने इसके लिए रेडीमेड नहीं लिया क्योंकि हमने ड्रेसेस का मैंने पता किया, शायद मैं लेट हो गई थी तो सारे ना येलो था, तो येलो हमें पहनाना नहीं है। तो ये इसकी धोती है, ये धोती मम्मी लाए थे हरिद्वार से, तो इसका जो कुर्ता था वो थोड़ा छोटा हो गया तो इसको नहीं आता, तो धोती मैं इसको यही पहनाऊंगी व्हाइट कलर की, और साथ में ये रही अंडरशर्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये रही धोती, और जो इसका कुर्ता था वो थोड़ा छोटा हो गया, इसको नहीं आता है, उससे ना ये थोड़ा इरिटेट होता है, तो मैंने छोड़ दिया, वो कुर्ता नहीं पहनाऊंगी, और साथ में इसके साथ ये अंडरशर्ट पहनाऊंगी इसको। और ये मैंने बनाया इसका मुकुट, ये आपको लग रहा होगा येलो है लेकिन ये येलो नहीं है, ये गोल्डन है, ऐसे येलो शेड दे रहा है लेकिन येलो है नहीं। तो फिर सभी के कमेंट्स आएंगे कि अगर येलो पहनना नहीं है तो फिर आपने ये येलो क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं ये येलो नहीं है। तो ये रहा हमारा मुकुट जो मैंने आज ही रेडी किया है, ये गेस कर सकती है श्वेता कि ये मैंने किसका बनाया होगा, है कुछ आइडिया? नो, ये मैंने खुद बनाया है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। यस, तो ये हमने लास्ट दिवाली में वो लाया था, उस पर लिखा होता है शुभ दिवाली, तो ऐसे करके था मेरे पास, तो मैंने उसका वो ऊपर से काट के अंदर से मैंने ये कपड़ा लगा दिया क्योंकि मुझे ये था कि ये जो चीज है ना ये चुभने वाली है, तो क्या पता ये इसको चुभे ना, तो ये कपड़ा मेरे पास ऑलरेडी लाइनिंग का पड़ा हुआ था, तो ये मैंने कटिंग करके ये बना दिया, ये मैंने अंदर से इसको अटैच कर दिया। और इलास्टिक का मुझे ये था कि इलास्टिक मेरे पास नहीं है, तो फिर मुझे ये था कि कोई मुझे इलास्टिक ला के दे, लेकिन कोई यहाँ पे था नहीं। और फिर जब मैंने मशीन निकाली ना ये बनाने के लिए, तो देखा तो उसमें इलास्टिक पड़ा हुआ था, तो मुझे इलास्टिक नहीं मंगवाना पड़ा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ना ऐसे आएगा, और ये जो चीज़ है ये इसके इयररिंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने किसके बनाए, ये पता किसके बनाए मैंने, ये मेरे शादी वाले कलीरे थे ना, तो हाँ तो मैंने एक कलीरा वो खराब सा हो गया था क्योंकि इतने दिनों के पड़े हैं तो खराब तो होने ही है, ये मैंने उसकी ये कोडियां हैं और ये लगा के ये मोती मैंने बीच में ये 3-3, 4-4 करके ऐसे लगा के ये मैंने दोनों बना दिए दोनों साइड में, ताकि ये इसके इयररिंग्स की तरह आ जाए क्योंकि हम इसको इयररिंग्स तो पहना नहीं सकते। और ये बिजी है अपनी बुआ से बातें करने में। और ये मैंने इसके बनाए हैं बाजूबंद बनाए हैं, देखते हैं कैसे एडजस्ट करती हूँ मैं इनको, होंगे कि नहीं, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे इसको कर नहीं पाई क्योंकि ये सो रहा था, तो मैंने सोचा इसको डिस्टर्ब क्यों करना, जब तक सो रहा है तब तक मैं बाकी काम अपने निपटा लेती हूँ। और ये बनाया मैंने इसका कमरबंद, इसको भी मैंने देख सकते हो आप सभी को, ये रेड कलर का कपड़ा मैंने इनको अंदर से अटैच कर दिया है। और ये रही बांसुरी, ये ऑलरेडी हमारे घर में थी। और ये रहा मोर पंख, ये इसके साथ ना फिक्स नहीं हो रहा था मुकुट के साथ, तो मैंने सोचा ये मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगी। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, इनको थोड़ा साइड पे करती हूँ। और ये रही मालाएं, ये मम्मा ने पता नहीं कहाँ से लाई है, इसका नहीं मुझे पता है। और जो ये है ये मम्मा ने लाई है बड़ी दूर से, ये लाई है हैदराबाद से लाई है, हाँ ये हैदराबाद से लाई है। तो आज मेरे इसके लिए अकाना के लिए आज मैं ये यूज कर लूंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं इसको पहनाऊंगी ना तो ये जरूर इरिटेट होगा और इनको खींचेगा, तो श्वेता इसको अपने तरीके से समझा दे कि ये खराब नहीं करना, क्योंकि ये इसकी दादी ने ना बहुत दूर से लाई है, हैदराबाद से लाई है, और अगर ये खराब कर दी फिर ये रही मालाएं इसकी। और भी बहुत कुछ होता है लेकिन
जितना जितना मेरे से होता था घर पे जो जो मुझे मिला उसका मैंने सामान बना दिया है। और मार्केट से वैसे मुकुट बहुत अच्छे मिल रहे थे लेकिन उनमें ना येलो था, और ड्रेसेस भी मैंने जितनी भी पता करी तो उसमें थोड़ा थोड़ा येलो था, और खुद की बनाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और फिर आज मैंने सुबह सुबह ही मशीन निकाल ली और ये सब डिजाइन किया, और अभी सबसे पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। अभी हम जल्दी से इसकी वीडियोस बनाएंगे, इसके अच्छे अच्छे फोटोज लेंगे, और उसके बाद ना हमारे ये जो साथ में मंदिर है तो यहाँ पे आज इवनिंग में भी सत्संग है, कुछ प्रोग्राम है, तो उधर जाना पॉसिबल होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। अगर कोई इसको बेबी को संभालने वाला होगा घर पे तो फिर मैं भी जाऊंगी, नहीं तो फिर मैं और बेबी रहेंगे घर में और मम्मा जाएंगे, नहीं तो श्वेता के पास छोड़ेंगे, श्वेता किस काम आएगी। तो श्वेता ने आज बहुत अच्छा ये ऐसा टीका लगाया, तो मैंने इसको बोला कि मुझे भी लगाना, लेकिन मैंने अभी पहले इसको लाडो को रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी रेडी होऊंगी। तो आपने कहना है कि इसको लाडो लाडो क्यों कह रहे हैं, तो अभी हमने ना इसका नाम नहीं रखा है, अभी इसका नामकरण नहीं किया है, तो थोड़े दिनों के बाद हम इसका भी नामकरण करेंगे। तो फिर मैं आपको नाम से बुलाना चाहती हूं। हाँ, तो श्वेता रानी इसका नाम वो करना डिसाइड करेगी। मैं वैसे हमने ना बहुत सारे नाम सोचे लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रखें, फाइनल में हाँ फाइनल इसकी बुआ कर देगी ना? तो अभी हम सबसे पहले इसको रेडी कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये इतना चला के ना इसको पता था कि आज मम्मा ने रेडी करना है मुझे, तो मैंने उठना ही नहीं है। ऐसे ना ये कोई 11-12 बजे तक उठ जाता है, तो मेरे ना तब तक सारे काम निपट जाते हैं। देखते को देखते मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी पहले रेडी हो जाओ फिर जाओ बुआ के पास ही जाओ, बुआ से ही बातें करो, अपनी बुआ से ही बातें करो, मम्मा से तो तंग आ गए हो। क्या बात हो रही है बेटा, रेडी नहीं होने क्या? 5 बजने वाले हैं और दादी वेट करते करते वो मार्केट भी चले गए। इसी का वेट कर रहे थे हाँ कि इसको हम कृष्णा बनाएंगे, तो लेकिन फिर ये जनाब उठे नहीं, तो फिर उन्होंने लेट हो जाना था, तो मैंने उनको कहा कि आप जाओ तो मैं इसको रेडी कर। ओ माय गॉड, ये क्या किया? पानी गिरा दिया। और अभी तक जनाब ने पॉटी भी नहीं की है। मुझे पता लग रहा है ना जब हम इसको रेडी करेंगे ना ये पॉटी करेगा। आज पॉटी नहीं करनी है क्या लाडो? लाडो पॉटी नहीं करने का? क्यों नहीं करने का? किस किस को इंतजार है हमारे नटखट काना की श्री कृष्ण जन्माष्टमी का? तो आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर है ना, इसने पहले कहीं सोच के रखा था कि आज मुझे उठना ही नहीं है। जनाब 4 बजे सो रहे हैं आज, मम्मा का तो ख्याल ही नहीं है। अभी उठा है मतलब रात को 4 बजे सोया और हाँ सुबह 4 बजे सोया और फिर ये उठा था, फिर बीच बीच में उठा था और फिर उठे थे जनाब 9 बजे और उसके बाद खेले और फिर सो गए। अरे कोई फिक्र ही नहीं है किसी की। फिर जब आप बड़े होंगे तो फिर आप मुझे पूछोगे कि मामा आपने मुझे जब फर्स्ट जन्माष्टमी थी तो आपने मुझे रेडी क्यों नहीं किया था, बताओ मुझे। फिर क्या आंसर करूंगी मैं? क्यों मारते हो मामा को? माँ को नहीं मारते हैं। श्वेता कुछ अपनी कलाकारी दिखा रही है, यहाँ से ना थोड़ा ऐसे हो गया क्या? हाँ थोड़ा नोकीला सा, हाँ हाँ अच्छा हो गया अभी। तो येलो लगाना नहीं है तो ये कौन सा कलर हुआ? ये ऑरेंज सर केसरी, हाँ केसरी है ये, तो ये तो लगा ही सकते, येलो लगाना नहीं था। हाँ तो स्ट्रेट ही है, तो अभी इसको फिल करना बीच में से नहीं बट ये थोड़ा डार्क कर, ये थोड़ा बड़ा लाइट सा लग रहा है मुझे, फिल नहीं करना है। बीच में से फिल करना बोल रहा। तो लाडो के साथ साथ ना मैं भी रेडी हो गई हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है तब तक ना जब तक मैं भी रेडी हो जाऊंगी तब तक उसने सो जाना है। वैसे ना हमारी श्वेता ना बहुत एक्सपर्ट है, इसको हर काम आता है। मैं सोचती थी कि मैं एक्सपर्ट हूँ लेकिन यहाँ पे तो ये तो मेरे से भी ज्यादा ही है। नहीं, मैं तो अपने मुंह में खुद ही मीठू बन रही हूँ। हाँ तो ये श्वेता बहुत अच्छे तरीके से लगा रही है, पहले इसने अपने घर पे सभी को लगाया था ऐसे ही, और फिर मम्मा को भी तूने लगाया था। हाँ मम्मा को भी इसी ने लगाया था और अभी मुझे भी, और अभी हमारे लाडो को रह गया लगाना। थैंक यू सो मच। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो बाल मैंने ना सिंपल ही ऐसे पीछे क्लचर लगा रही है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी करने की, ये ना तब तक सो जाएगा तो क्या फायदा इतना वो करने का। अभी जल्दी से इसको जो माला वगैरह रहती है वो श्वेता अभी पहनानी है हमें इसको, और फिर इसके साथ 2-4 जो वीडियोस बनानी है वो बना लेते हैं। लाडो बेटा सो रहे हो क्या? उसको भूख लग गई है।
हम इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, इसको हमने रेडी किया और अभी ना सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था, वो भी मुझे लगता है कंप्लीट नहीं है, वो भी इनकम्प्लीट ही है। तो इतने में जनाब रोने लग पड़े और सो गए और ये सारा सामान निकाल दिया हमने अभी। बेचारी श्वेता हमारी अपने ना प्रैक्टिकल्स बना रही थी, इतनी बिजी थी, तो मैं उसको वहां से बुला के लाई कि आ मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दे, और वो बेचारी अपने प्रैक्टिकल्स छोड़ के आई। और कुछ लोगों का ना ये कहना था कि आप ना वीडियोस नहीं बनाते हो, तो ये होता है वीडियोस बनाने का। मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, कभी कुछ काम पड़ जाता है कभी कुछ, और बेबी को कभी सोना होता है, जब उसको सोना होता है तब वो सोता नहीं है और जब नहीं सोना तब वो सो जाता है। अभी जनाब सो गए हैं तो इसको छोड़ यहाँ पे सुलाते हैं हम, तब तक हम अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं, फोटोज वगैरह मुझे लगता है रात को ही हो पाएंगे, ऊपर से लाइट भी चली गई है। तो अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं और बेबी ना फिर से सो गया है, आज उसको ना फोटो क्लिक करवाना मंजूर ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज इतने कितना भी हुआ है ठीक है, हम श्वेता किसी और दिन हम इसका फोटो शूट कर लेंगे ठीक है। वैसे भी कल श्वेता का प्रैक्टिकल है और बेचारी मेरे लिए इतनी देर से यहाँ पे बैठी हुई है, और साथ में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ साथ में ही मंदिर में सत्संग है, उधर भी मैं जाऊँ 5 मिनट के लिए। मैंने मम्मा कहा कि जब ना वहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह होगा तो आप मुझे बताना, तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगी। मैं ना ये सूट अपना पहन के रख देती हूँ और अंदर का तो, और मेरे रूम का तो क्या हाल हो गया, तो इसको भी मैं सेट करके ही जाऊँगी, और फिर बेबी उठ जाएगा तो फिर मैं ये सब कर नहीं पाऊंगी। जब तक वो सो रहा है, श्वेता भी उधर है, मम्मी तो चले गई, साहिल भी अभी मैं भी उधर ही है, तो तब तक मैं अपना ये छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ और खुद भी रेडी हो जाती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो 5 मिनट मैं भी वहां से होके आऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का। ऐसे ठीक है, मैं होके आऊँ मंदिर से। हाँ तो मैं मंदिर से होके आती हूँ, और जब ये रोएगा ना मुझे कॉल कर देना, जैसे हिलेगा कॉल कर देना ठीक है। क्या उसी रूप में भगवान के दर्शन, बच्चे जो हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। मैं पहले ही कह रही थी अपनी लाडो को कि ले आओ, लेकिन नहीं जाने। मम्मा बाहर वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर जाना है मूड। ठीक है फिर कर अपना काम, अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए होगी तो बताना। वैसे ज्यादा नहीं आता है मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत, मैं अभी बड़ी लिखी हूँ यार, बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, तो मेरी कभी हेल्प लेती नहीं है, ले लिया अगर कभी जरूरत हो तो। देखो ये इतना सामान कौन रख गया टेबल पे, अच्छा वो वाला टेबल वहां से हटाया इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो तेरी डायग्राम्स काफी अच्छी है, वो ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। श्वेता नहीं जा रही है? नो तो आंटी आप जाओ ना, वो बेचारी पढ़ रही है, पढ़ने दो। अच्छा हमारी लाडो भी उठ रही है, तो मुझे अभी अपनी बाबू को देखना है। आज ना मैं सुबह से पानी पीते जा रही हूँ, इतना पानी पिया ना मेरे को लग रहा है इतना मैंने पिया ही नहीं, और आज मुझे सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है। बेबी उठा नहीं है, बेबी को इतना ज्यादा मैंने संभाला भी नहीं है आज, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी पता नहीं क्यों आ रही है। सिर्फ पानी पिया मतलब खाया नहीं कुछ बर्तवाला तेरे को लगता है इतनी बड़ी मोटी मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बिना खाए रेस्ट जितना बोल रहे इतना भी नहीं हो। मजाक मत कर, आप मजाक मत करो, नहीं नहीं जितना बोलते इतना भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि मैं बिना खाए रह सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट हो क्योंकि मैं देख सकती हूँ। ना 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 ना, मैं पानी नहीं, ऐसी बात नहीं है, परसों जब हमने छठ पूजा की थी तो उसमें कुछ भी नहीं खाना था, पीना भी नहीं था, तो वो तो किया ही किया, लेकिन ऐसे मैं बिना खाए नहीं रह सकती हूँ, सच्ची बात है।
और गाइज अगर मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो मुझे ना वहां जाके भी फॉलो कर सकता है और मेरी अच्छी अच्छी रील्स देख सकते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ अच्छी अच्छी, पता नहीं आपको अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, श्वेता को तो बिल्कुल नहीं लगती है, मुझे लगती है, लाइक करती हूं, कमेंट करती हूं। हाँ, और साथ में मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, तो मैं वो आईडी अपने नीचे दोनों की मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की, तो आप मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। अभी ना मैंने 2-3 ब्लॉग्स बना के रखे हैं लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास, तो वो अभी पेंडिंग पड़े हैं और अभी जैसे टाइम मिलता है तो वो मैं एडिट करूंगी। अभी सोच रही हूँ कि पहले मैं ये जन्माष्टमी वाला डाल लूँ, क्योंकि छठ पूजा वाला ना वो भी व्लॉग अभी पूरा पड़ा हुआ है, उसका एंड आई थिंक मैंने नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंची थी ना बहुत बुरी हालत हो गई थी, बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो वो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था। तो अगर किसी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये ना ये जो मुझे ये तिलक लगाया, ये लगाया हमारी श्वेता रानी ने, तो मैंने अपनी श्वेता को इसको बोला कि मुझे भी सिखा दे, क्योंकि मुझे ना ये लगाना बहुत अच्छा लगता है।